ये पहली बार मेरे हिसाब से एक नया कॉन्सेप्ट है जहाँ पर एक एक्टर का ट्रिपल रोल हमने पहले देखा है मूवीज लाइक जॉन जानी जनार्दन जिसमें रजनीकांत साहब ने ट्रिपल रोल किया था, अमिताभ बच्चन साहब ने महान में किया था, बैराग में दिलीप कुमार साहब ने किया था, लेकिन एक ही फिल्म में तीन एक्टर्स के ट्रिपल रोल और सिमिलर नाम और एक ही शहर में, फिर बाद में कैसे स्क्रीन प्ले में एक ही घर में आ जाते हैं। तो ये स्क्रीन प्ले लिखने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगा और मैं साइकेट्रिक वार्ड भी गया था 2-3 बार अपना टेस्ट कराने को जब मैं स्क्रीन प्ले लिख रहा था, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग हो रहा था कैसे इनको बैलेंस करना है और कैसे फिर वो पत्तों को अपने आप खुलना है सेकंड हाफ में और क्लाइमैक्स में कैसे सबको, एक 5 साल के बच्चे को भी समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। एक बहुत खूबसूरत मिक्स ऑफ द विंटेज साउंड एंड द न्यू साउंड, हिमेश जी आपके लिए हाउ न्यू वाज एन एक्सपीरियंस? हम शकर the whole family एक डिस्ट्रेस कर देता है आदमी को, बट येट जो विजुअल्स आप देखेंगे वो बहुत ही एस्थेटिकली बहुत ही क्लासी रहते हैं उन लोगों के, उनके विजुअल्स ऐसा नहीं है कि एक हार्ड कोर मास एंटरटेनर ही है, बट इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म। छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया गया है बट उनके अपने जोन में। तो अगर आपको 9 times द फन चाहिए तो ये पिक्चर देखिए, और इसके गाने मैं बहुत श्योर हूँ कि इसका म्यूज़िक बहुत अच्छा चलेगा। एक कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत ज़्यादा है इनके गानों के लिए एंड मैंने अपना 100% दिया है म्यूज़िक को। तो मैं ये कह सकता हूँ कि म्यूज़िक एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है, बिकॉज 6 गाने हैं एंड 6 के 6 अपने लेवल पे डिफरेंट भी हैं और एब्सोल्युटली म्यूज़िक लवर्स को बहुत पसंद आएगा। तो रेडियो सिटी का ये एक्सक्लूसिव अब जो म्यूजिक लॉन्च होने जा रहा है, एल्बम लॉन्च होने जा रहा है, हम शकल साजिद एंड हिमेश जी फर्स्ट लुक सारे मीडिया को देते हैं। रेडी गाइस? इनिशियली जब मैंने इसके बारे में बात की थी 2 साल पहले मीडिया से, तो कहीं ना कहीं न्यूज़ फैल गई थी कि वो ये अंगूर की रीमेक है। अंगूर की रीमेक बिल्कुल नहीं है। मैंने एक रीमेक लाइफ में बनाया, उसके बाद मैंने कसम खाली आगे से कभी रीमेक नहीं बनाऊंगा। लेकिन ये आइडिया मेरे दिमाग में था। इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं, सैफ जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है, रितेश जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है, राम जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है, कुछ सेकेंड और थर्ड कैरेक्टर्स जो मैं अपने टीवी शोज़ पर कर चुका हूँ, तो मुझे बहुत ईज था उनको लिखने में। इसमें एक गाना है, हम पागल नहीं हमारा दिमाग खराब है, वो मैं अपने एक टीवी शो पे बोला करता था, मैं पागल नहीं हूँ मेरा दिमाग खराब है, आई टू डू दैट। तो उसके ऊपर हिमेश ने एक सुपर हिट गाना बना दिया, यू नो। तो आइडिया मेरे पास हमेशा था कि एक नई किस्म की कॉमेडी जो सबको भाए, बच्चों को पसंद आए, यूथ को पसंद आए, फैमिलीज को पसंद आए, जिसमें वल्गैरिटी ना हो, अश्लीलता ना हो, डबल मीनिंग ना हो, वो मैं अपनी फिल्मों में डालता भी नहीं हूँ, बट एक यूनिवर्सली अपीलिंग कॉमेडी के जेन्युइनली जो डी स्ट्रेस है, 2-2.5 घंटे के लिए आपको बहुत मजा आने वाला है। कितने कॉन्फिडेंस है खासकर स्टार कास्ट को लेके और म्यूजिक? हम लोगों ने मेहनत बहुत की, आई थिंक मेहनत सभी करते हैं और इवेंचुअली रिजल्ट तो लोगों के हाथ में होता है, ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो लेट्स सी, फिंगर्स आर क्रॉस्ड, वी हैव गिवन इट आवर बेस्ट। I don't know about a bang or I don't know about a pack because I never went anywhere. I always lived in Mumbai. I grew up in Mumbai. So it's not like I went to some desert and I came back. Yeah, but this is what people expect from a Sajid Khan film, and
they will never be disappointed ever again. I will never ever disappoint my audiences by doing anything else which they don't expect from me. They want comedies from me, I will only give them comedies. Bhavish, aapka music hamesha appreciate hota hai.